इंदौर स्टेशन सहित रतलाम रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया। इसमें कोच के गेट हैंडल, दरवाजों के हैंडल, वेटिंग हॉल के गेट, कुर्सियों से लेकर सभी जगहों पर लगातार सैनिटाइजर से सफाई की गई। रेलवे ने सफाई स्टाफ को कहा कि वे लगातार सैनिटाइजर से सफाई करें। इंदौर रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर से कोरोना से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया। इसके लिए सफाई स्टाफ की अलग अलग टीमें बनाई गई, जो कोच से लेकर प्लेटफॉर्म, टॉयलेट, वेटिंग हॉल, कुर्सियां, वॉश बेसिन, चार्जिंग पॉइंट, एस्केलेटर, रैंप पर लगे सपोर्ट हैंडल में लगातार सैनिटाइजर से सफाई कर रहे हैं। रेलवे का अभियान लगातार चलेगा। रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव और रोकने के लिए लगातार उद्घोषणा भी करवाई जा रही है। रेलवे के रतलाम मंडल पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी जो गाड़ियां हैं, चाहे इंदौर से रवाना हो रही हों, उज्जैन से रवाना हो रही हों या रतलाम से पास हो रही हों, सभी गाड़ियों में सैनिटाइज़र लाइजोन के द्वारा उनके हैंडल्स हैं या जो टॉयलेट हैं उनके दरवाजे हैं या जो सीटें हैं उनको क्लीन किया जा रहा है और उसको साफ़ किया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई भी इफेक्टिव यात्री आता है उससे तो उसे बचाया जा सके। इसके साथ में रतलाम मंडल के सभी स्टेशन पे अनाउंसमेंट के द्वारा कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। साथ ही सभी स्टेशन्स पे पोस्टर और बैनर के द्वारा भी लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक किया जा रहा है कि उससे किस तरह से बचाया जा सकता है। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने चिकित्सालय हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया गया है कि अगर किसी इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रभाव से उन लोगों से संपर्क करके हम लोग उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो रेल प्रशासन पूरी तरह से कोरोना वायरस उसके बचाव के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।